एक नए वीडियो के साथ मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बनारसी अखाड़ा में। और आज मैं बनारस में जितने दुर्गा पूजा पंडाल हैं, जहाँ तक हो सकेगा जितने मेन मुझे पूजा पंडाल हैं, उनके दर्शन मैं आपको करवाऊँगा। और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ जिम स्पोर्टिंग क्लब से। तो देखिए दोस्तों, आप आए हैं जिम स्पोर्टिंग क्लब में और यहाँ की मूर्ति देखिए कितनी भव्य है, पूरी तरह के तरीके से बंगाली शैली में देखिए इस मूर्ति को सजाया गया है। यहाँ पे गणेश जी हैं, माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा। जिम स्पोर्टिंग क्लब भेलोपुर। दोस्तों इस समय हम लोग शिवाला घाट की तरफ हैं, हरिश्चंद घाट की तरफ जो एक ये गली है उसी की तरफ। आइए यहाँ की मैं आपको पूजा प्रतिमा मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त एकदम गोल्डन प्रतिमा है ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। अभी ये सभी बंगाली क्षेत्र में बनारस के, इसलिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पूजा प्रतिमा भी जितनी है वो बंगाली तरीके से सजावट की गई है। ये देखिए माँ की प्रतिमा। दोस्तों इस समय हम लोग हैं केदार घाट की ओर जाने वाले गली में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल से बनी प्रतिमा है। दाल यानी कि आप समझे मसूर की दाल, मूंग की दाल। पिछले बार यहाँ पे मेवे से बनी प्रतिमा बनाई गई थी। एक्चुअली देखिए ये छोटे से गली में है इसीलिए थोड़ा सा कंजस्टेड होता है, लेकिन ये अपने यूनिक होने की वजह से यहाँ पे बड़ा भीड़ लगने लगा है। ये देखिए माँ की प्रतिमा है और ये देखिए ये विसर्जन वाली प्रतिमा है, दाल से बनी हुई प्रतिमा। गाइस अभी हम लोग पांडे हवेली में हैं और यहाँ पे देखिए पूजा प्रतिमा को सजाने की इस समय चल रहा है। माँ को गहने पहनाए जा रहे हैं, बहुत ही यहाँ की भी प्रतिमा काफी जबरदस्त होती है। चलिए चलते हैं दूसरे पंडाल में। तो दोस्तों इस समय हम लोग गोदौलिया पे गीता मंदिर गेट के पास है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ता के दाना जितने फलाहारी चीज़ें हैं उन्हीं की माँ दुर्गा की प्रतिमा। हाँ जी हाँ, इसमें ये बता रहे हैं कि इसमें साबूदाना, बादाम, कुट्टू का चावल, इन सभी चीज़ का प्रयोग किया गया है और माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। सनातन धर्म इंटर कॉलेज की तरफ जाते समय ये पड़ता है। तो अगर आप लोग भी अगर बनारस में दुर्गा पूजा घूमने की अगर योजना बना रहे हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए। तो गाइस इस समय हम लोग सनातन धर्म इंटर कॉलेज में हैं और यहाँ पे बनाया गया है शीश महल और इसके लिए आप ये देखिए पीछे शीश महल यानी कि हर चीज़ शीशे का। और रात में जब इस पर लाइट पड़ेगी तो और जगमगाएगा ये देखिए पूरा का पूरा पंडाल शीशे का। और सनातन धर्म का जानते ही हैं कि यहाँ की पूजा प्रतिमा और पूजा पंडाल कितना ज़बरदस्त होता है। ये देखिए अंदर महादेव जी और यहाँ पे भी कुछ कुछ शो करवाया जाता है। हो सकता है कि इसमें से माता की मूर्ति निकले। महिषासुर
मेरी यहाँ से माँ की प्रतिमा निकलेगी। तो जो 5-10 मिनट का शो होता है वो यहाँ पे किया जाएगा। तो दोस्तों, इस समय हम लोग आ गए हैं बनारस के सबसे फेमस पूजा पंडाल यानी कि हथुआ मार्केट में, और यहाँ पे सर्ववेद मंदिर का बनाया गया है। मंदिर को देखिए, काफ़ी बारीकी से काम किया गया है इस पर। ये देखिए, यहाँ की पूजा प्रतिमा है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है, सजाया भी बहुत भव्य तरीके से जाता है। यहाँ पे भी मे बी 1-2 मिनट का शो होगा। तो गाइस, इस समय हम लोग मछोदरी पे हैं, मछोदरी पार्क, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मुझे नहीं है कि ये क्या, कौन सा मंदिर है ये, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको जानकारी हो तो। और ये देखिए, अभी हम लोग अंदर आ गए हैं। माँ की प्रतिमा आप देख सकते हैं, मछोदरी पार्क। सजावट देखिए यहाँ का, रात में और भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस समय हम लोग चौका घाट पे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबा काल भैरव का मंदिर बनाया गया है। पंडाल छोटा है लेकिन बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखिए, ये है अंदर का नज़ारा। तो इस समय हम लोग अर्दली बाज़ार में हैं। छोटा पंडाल लेकिन बड़ा ही भव्य पंडाल है ये। दोस्तों, इस समय हम लोग अर्दली बाज़ार में ही हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक और पूजा पंडाल में आए हैं। चलिए आगे से देखते हैं। ये देखिए, तो दोस्तों अंतिम में हम लोग आ गए हैं शिवपुर मिनी स्टेडियम में। यहाँ पे बनाया गया है प्रेम मंदिर। थोड़ा अभी इसका काम लग रहा है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन शाम तक उम्मीद किया जा सकता है कि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आज शाम तक जब आप लोग आएंगे दर्शन करने के लिए, तब तक ये काम पूरा हो जाएगा। लेकिन पंडाल बड़ा ज़बरदस्त बनाया गया है, आप देख सकते हैं। सप्तमी का दिन है इसलिए थोड़ा सा काम डिले हो गया, लेकिन फिर भी मुझको लगता है कि शाम तक ये तैयार हो जाएगा। प्रेम मंदिर, मथुरा का प्रेम मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। बड़ा ही भव्य यहाँ का पूजा पंडाल होता है, और इस समय ये बनारस के फेमस हथुआ मार्केट को भी ये पीछे छोड़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले साल इन्होंने राम मंदिर बनाया था, अयोध्या का राम मंदिर। इस बार प्रेम मंदिर बनाया है, और बहुत ही ज़बरदस्त देखने में मिल रहा है, और ये रात में तो और ज़बरदस्त बनेगा। उम्मीद तो यही है कि लगेगा बहुत ज़बरदस्त होगा। चलिए अंदर चलते हैं और अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, अंदर आ गए, अंदर का भी नज़ारा देखिए, वाह। तो बनारस में अभी तक मैंने जितना भी पूजा पंडाल आज के दिन में घुमा है, उसमें हमें सबसे बढ़िया यही लगा है। ऊपर का देखिए, वाह। इसके बाद माता की मूर्ति, आ रहे हैं।